नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम ये जो आपके सामने लाइट दिख रही है इसको हम बनाएंगे। इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा जलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आज हम घर पे अपने आपके साथ बनाएंगे। इसको अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पूरा जो बना हुआ है सर्कल, ये फिक्सल LED की मदद से बना हुआ है। आइए हम इसको जानते हैं, ये इसमें क्या क्या लगते हैं और ये कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए हमें दो सीट काट लेनी होगी इस साइज का। इसमें हमें इसका ये ऐसे सर्कल बनाना है। हमें इसमें हमें छेद करना होगा जिसमें इतना है, इसमें 8 छेदे हैं। इसको ऐसे होल कर लेंगे। ऐसे दो सीट हमें बना लेनी होगी जो कि हम बना लिए हैं। अगर आपको हम सारी चीज़ तो बना कर दिखाएंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बना कर आपको दिखा रहे हैं। ये दो दो जो मतलब 2 इंच की दूरी पे हमने बनाया है इसको, इसमें होल किया है 2-2 इंच की दूरी पे। अब आपको दो ऐसी सीट काट लेनी होंगी, हमने काट लिए हैं इसी प्रकार से, और सेम साइज का है और इसमें सेम होल है जितने उसमें है इसमें इतने हैं। इसमें हमने लकड़ी लगा दिया है जो कि बीच का गैप है उसको कवर करेगा ये, और ये हमारा सेम उसी तरीके से है, हमने सेम इसी प्रकार से इसको काट लिया है। ये हमने इसको अच्छे से काटा है, आप भी अच्छे से काट सकते हैं या आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। और हमने ये जो पट्टी आप दिख रहे हैं इसमें हमने सेट कर लिया है फिक्सल LED। टोटल इसमें 10 फिक्सल LED लगेंगी एक एक पट्टी में, जो ये पट्टी आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। ये ऐसी पट्टी हमें 8 काट लेनी होंगी जो कि 8 पट्टी हमें चाहिए। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से टाई से बांध दिया है। अब टाई भी आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक शॉप पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसको बांधने के लिए हमने इसको इसी प्रकार से बांध दिया है। इसमें 10 बल्ब लगे हुए हैं ये LED वाले, और इसको हम देखिए इसका कनेक्शन हम आपको बताएंगे कि कैसा इसका कनेक्शन होता है। ये देखिए पहले हमने जो हमारा ये जो हरा वाला वायर है इसको हम बताएंगे कि कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। पहले हमने हरा वाला वायर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया है और दूसरी वाली पट्टी में इसको हरा वाले वायर को जोड़ दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद वहीं से हमारा शुरू होता है। अभी देखिए इसमें हमने जोड़ दिया है हरा वाला जोड़ दिया है। उसके बाद हम ऊपर की साइड से इसमें भी हरा वाला जोड़ देंगे, जो आप देख रहे हैं इसमें भी हरा वाला जोड़ देंगे। ये देखिए हमने जोड़ दिया है, और ये दूसरा वाला तार जाकर हमारा ये देखिए यहाँ से होते हुए इसमें से होते हुए हमारा जो दूसरी पट्टी में जाकर हरे वाले में जुड़ जाएगा। ये देखिए इसमें जुड़ गया है इसमें, और उसके बाद ये देखिए यहाँ इसमें जुड़ गया है। आप इसमें देखिए, ये देखिए इसमें दिख रहा है, यहाँ पर आपका जुड़ गया है। और उसके बाद हमारा ये देखिए यहाँ से ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से 2 बार जाएंगे, और ये देखिए यहाँ से फिर से हम हरे वाले वायर को ये देखिए इसमें देखिए यहाँ से ये वाला इसमें आया है। अभी इसके बाद ये देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए यहाँ से ये आ गया है दूसरी वाली पट्टी में, ये देखिए इसमें आ गया है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से भी एक वायर हमारा हरे वाले में जुड़ जाएगा, ये देखिए हरे वाले में जुड़ गया है। और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा दूसरे वाले पट्टी में जो कि हरे में जुड़ जाएगा, और उसके बाद दूसरे वाली पट्टी में भी ये यहाँ से ऊपर से हरे वाले में जुड़ जाएगा, और इसमें आके जुड़ जाएगा, इसमें भी हरे वाले में जुड़ जाएगा, और ये देखिए इसमें भी ऐसे जुड़ गया है। ऐसे हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। इसी प्रकार से हरा वाला कनेक्शन अब हमारा जो कि एक पट्टी और बचा हुआ है वो भी इसी प्रकार से हरे वाले में जुड़ जाएगा। अब
देखिए ये भी इसमें जुड़ गया है हरे वाले में। अब ये आखिरी पट्टी है ये इसकी, हमारी आठों पट्टी पूरी हो चुकी है। अब कनेक्शन बताएंगे, जो दूसरी तीन वायर होते हैं ना एक्सेल एलईडी में, जो कि ये देखिए, अब जो दो वायर, एक वायर तो हो गया है, दो वायर बचा है। अब दो वायर को वैसे डायरेक्ट से हम आपको जोड़ते हुए दिखाएंगे। ये देखिए हर मतलब वायर में जोड़ दिए हैं। ये देखिए वाइट और रेड कलर का वायर है, इसमें जोड़ दिए हैं हम। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, उसी प्रकार से हम आठों पट्टी में इसको अच्छे तरीके से लगा देंगे, ये इसको कनेक्शन कर देंगे। अगर आपको एक एक करके जोड़ के दिखाते तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट करके दिखा दिया है। ये देखिए इसमें भी इसी प्रकार से लगे हुए हैं। ये देखिए इसमें, ये देखिए अब इसमें भी इस प्रकार से आठों पट्टी में आप लोग इसी प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। और ये इसमें भी ये थोड़ा उलझा हुआ है, इसको टेप लगाना पड़ेगा अच्छी तरीके से इसमें। ये देखिए इसमें भी इसी प्रकार से है और डायरेक्ट जाके इसमें लग चुका है, जो कि इसमें आईसी लगेंगी हमारी। अब इसका सारा कनेक्शन हो चुका है, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और हमारा जो कि है, ये देखिए हमने सारे वायर में अच्छे तरीके से टेप लगा दिए हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट ना करें, नहीं तो ये अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। ये देखिए हमारा ये पूरा हो चुका है। हमने अब ये जो दूसरी वाली पट्टी, दूसरा भाग होगा, उसमें हमने जो कि रस्सी बांध दी है हमने, जो कि एक बित्ती से ज़्यादा है, आप ले लेंगे उसी प्रकार से इसमें होल करके सारे में बांध देंगे, सारी पट्टियों में आप बांध देंगे। हमने बांध दिया है, अब इसकी इसको हम पट्टी को बंद करेंगे। ये देखिए हम इसको इसी प्रकार से इसमें बंद कर देंगे, जो कि ये हमारा बंद हो जा रहा है। हम वायर को अच्छी तरीके से करके तो उसके बाद बंद करेंगे, नहीं तो हमारा दब जाएगा वायर, तो अच्छा मतलब सही से बैठ नहीं पाएगा हमारी पट्टी। इसको हम अच्छे से लगा देते हैं। ये देखिए हमने इसको इसी प्रकार से लगाकर इसको दबा देंगे अच्छी तरीके से, ये अच्छे से बैठ जाएगा हमारा। ये इसको वायर को अच्छी तरीके से हम अंदर करके तब हम इसको सेट करेंगे। अब हमारा ये पूरा सही हो चुका है। इसी प्रकार से देखिए हमने आठों को इसी प्रकार से लगा दिया है। ये हमारा लगाते हुए फट गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए हमारे सारे जो है लग चुके हैं। अब बात आती है कनेक्शन की, इसकी कनेक्शन कैसे होंगी। ये देखिए हमारा पूरा हो चुका है अच्छे से, ये बहुत ही बेहतरीन है। अब उसके बाद इसकी कनेक्शन की बात हम करेंगे। इसकी कनेक्शन के लिए हमें ये जो तीन वायर वाला जो आपको दिखाए थे उसको हम आईसी में लगा देंगे। ये हमारा एडेप्टर है, ये इतना बड़ा एडेप्टर है, इसके अंदर नहीं समा पाएगा, इसीलिए हमने एक चार्जर का निकाल लिया है, प्लेट जो कहते हैं आप, उसको निकाल दिया है और आईसी में कनेक्शन कर दिए हैं। अब उसके बाद हम आईसी को इसमें लगा देंगे अच्छी तरीके से, इसको हम लगा देते हैं। ये देखिए हमने लगा दिया है इसको। अब क्या करेंगे हैं हम, इसको अच्छी तरीके से लगा कर टेप लगा देंगे, जो कि ये हिले ना, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने टेप लगा दे रहे हैं अच्छी तरीके से, जो कि एकदम मतलब हिले ना। ये लगा दिया है हमने अच्छी तरीके से, और लगा देते हैं टेप हम, जो कि ये दिक्कत ना करे आगे चल के। सारे में अच्छी तरीके से लगा देंगे। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है ये। अब इसके ऊपर वाला जो ढक्कन होता है उसको हम लगा देंगे इसी प्रकार से। हमने इसको लगाकर इसके ऊपर नट बोल्ट कस दिया है, जो कि अच्छे से टाइट हो गया है। अब हमारे दो वायर निकल चुके हैं।
अब इसको हम जला कर देखेंगे कि ये कैसा लगता है जलाने के बाद। आइए हम देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हमारा बहुत ही अच्छा जलता है, इसमें कई सारे एक्शन भी हैं। अगर आप फिक्सल LED को मतलब और कुछ बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही एक्शन है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन है। अगर हम एक एक करके एक्शन को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम इसको थोड़ा करके दिखा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।